अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे जी। इस वक्त मदीना से 10 मिनट के ड्राइव पे अबयार अली मेकात का मकाम है, तो वहाँ पे गाड़ी रुकी है। हुजाज ने अहराम बांधना था और नफल अदा करने थे। ये आप सामने मेरे अकब में देख सकते हैं, ये अबयार अली का मकाम है, मस्जिद है। यहाँ पे नफल अदा करते हैं और नियत करते हैं उमरे की। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी अब यहाँ पे अहराम बांधूँगी, उमरा की नियत करूँगी और नफल अदा करूँगी। मैंने इधर से इंफॉर्मेशन ली है, आप मेरे कब में देख सकते हैं। और इधर गाड़ियाँ भी हैं, दुकानें भी लगी हुई हैं और जाजे कराम जा रहे हैं, हम भी चलते हैं। ये मस्जिद अबयार अली है, इसे अबयार अली के नाम से मंसूब किया गया है। ये देख सकते हैं साइडों पे पथरीले पहाड़ हैं और अब इन पे सब्ज़ा उगना शुरू हो गया पहाड़ों पे। आपको तो इसमें शायद ये नज़र आ जाए, कम ही नज़र आएगा। तो अब इन पे ना सब्ज़ा उगना शुरू हो गया है। ये साइडों पे भी पत्थर है, ज़मीन है। ये शुरता, इधर शुरता साइड है पुलिस। ये देखिए माशाल्लाह से ग्रीनरी है, पौधे लगाए हुए हैं, ये खजूरों के फ्रूट्स निकल रहे हैं। तो आगे वाला, आगे वाला कितने खूबसूरत है, बांध रहे हैं, क्या खूबसूरत माहौल है। इसे यूनिटी ऑफ लव, यूनिटी ऑफ रिलीजन इसे बोलते हैं कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, एक जैसे लिबास, एक जैसे तरीकाकार। ये मस्जिद अबयार अली, अंदर से माशाल्लाह से मैंने यहाँ से नियत कर ली, नफल अदा कर लिए। ये चिलर ऐसी, और इस मस्जिद की सबसे बड़ी बात देखिए यहाँ पे इन्होंने बहुत सुपर साइज जनरल की फ्रिज रखी हुई है, अपना पानी फ्रूट्स वगैरह खाना जो मर्जी रख सकते हैं जी। माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है जी। माशाल्लाह से मैंने नियत भी कर ली और नवाफल भी अदा कर दिए हज़रत अली और उनकी फैमिली सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और उनके जन्नत के सरदारों, उनके बेटों, उनके प्यारों के नाम के नवाफल अदा किए हैं। अब मैं बाहर जा रही हूँ, आपको व्यू करवाती हूँ एक बार फिर। ये जगह मुझे इतनी अच्छी लगी है, ये ग्रीनरी बहुत अब लगी हुई है माशाल्लाह से। ये देखें खजूरों ने भी फूल उठा लिए, ये देख सकते हैं माशाल्लाह से। क्या खूबसूरत जगह। और मुझे बताया था कि यहाँ से जो नियत, चलें हम बाहर निकलते हैं, आप गाड़ी की तरफ चलते हैं। मैं सलमान से पूछती हूँ चाय शाय पीनी है तो उसे पिलाते हैं, या आप भी कर सकते हैं। ये अंकल तो मैंने कैप्चर कर लिया। अब ना ये इबादत जो है ना जवानी की है। मैं अक्सर देखती हूँ कि बूढ़ी बूढ़ी औरतें, बूढ़े बूढ़े बंदे चल भी नहीं सकते, उनको उठना बैठने की प्रॉब्लम होती है, चलने की प्रॉब्लम होती है। तो खैर ये एक फ्रीज़ है, यहाँ पे आके ना आबोवा की या कोई वायरल, इतने लोग होते हैं, खांसी और ज़ुकाम मामूली बात है। ये कुछ ऑयल शॉयल चेंज होता है उसकी वजह से। तो चलें यहाँ पे हम अपने इस व्लॉग की, इस वीडियो का एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत खूबसूरत जगह है, ज़रूर आइएगा, जहाँ भी जाएँ खुश रहें।
अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं कि नए वीडियो, नए ब्लॉग, नई ज़ियारत में। अल्लाह हाफिज़।